हमारा उद्देश्य एक ही है, जान से मारेंगे, क्योंकि मारेंगे तभी जी पाएंगे। इंडिया की सबसे पॉपुलर वेब सीरीज मिर्जापुर अपने तीसरे सीजन के साथ वापस आ रही है। मिर्जापुर कई विवादों में फंसने के बाद आखिरकार इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई कि मिर्जापुर सीजन 3 आ रही है। मिर्जापुर सीजन 2 का अंत बड़े ही सस्पेंस के साथ किया गया था। इसमें मुन्ना भैया की मौत हो जाती है और शरद शुक्ला कालीन भैया को घायल ले जाते हुए दिखाई देते हैं, जहां एक तरफ गोलू और बीना त्रिपाठी के मदद से बन जाते हैं मिर्जापुर के किंग गुड्डू पंडित। और मिर्जापुर सीजन 3 में हमें बहुत सी चीजें देखने को मिलेंगी, जिसमें सबसे बड़ी बात ये होगी कि क्या गुड्डू पंडित अपने मिर्जापुर की कुर्सी को संभाल पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बीना त्रिपाठी से वादा किया था कि जब उनका बेटा बड़ा होगा तो एक कुर्सी उसे वह सौंप देंगे। मिर्जापुर सीजन 2 में मकबूल ने सत्यानंद त्रिपाठी उर्फ बाऊजी की हत्या कर दी थी, लेकिन सीजन 3 में आपको सत्यानंद त्रिपाठी की पत्नी यानी कि परिधा जलाल भी दिखाई देने वाली है और बहुत से अतीत के पन्ने खुलने वाले हैं इस सीजन 3 में। सीजन 2 में हमें एक हिंट तो मिल ही गया था कि शरद शुक्ला ने कालीन भैया को शायद इसलिए बचाया है ताकि वह कालीन भैया के मदद से गोलू और गुड्डू पंडित को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं और उसके बाद अपने बाप का बदला लेकर मिर्जापुर की गद्दी को हथियाना चाहते हैं। मिर्जापुर सीजन 3 में हमें देखने को मिलेगा कि जो मारे गए वह भरत त्यागी ही थे या शत्रुघ्न त्यागी, क्योंकि शत्रुघ्न त्यागी को हमने सीजन 2 में पहले भी बड़े भाई की एक्टिंग करते हुए देखा है, माधुरी यादव। अभी माधुरी यादव का रिएक्शन मुन्ना भैया की मौत पर दिखाया नहीं गया है। माधुरी यादव लाएंगी सीजन 3 में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, बीना त्रिपाठी। बीना त्रिपाठी सीजन 3 में एक डायनेमिक रोल लेकर आएंगी, क्योंकि उन्हें सबसे बड़ा खतरा था मुन्ना भैया का अपने बेटे के लिए, और उसे मरवाने के बाद अब वो कालीन भैया का साथ दे सकती है और गुड्डू और गोलू को मरवा भी सकती है, क्योंकि उसे पता है कि अब मिर्जापुर का किंग उसका बेटा ही बनने वाला है। अगर हम मिर्जापुर सीजन 3 की बात करें तो हम सिर्फ एक किरदार को मिस कर सकते हैं और वो है मुन्ना भैया, जिनको सीजन 2 में गोलू और गुड्डू के द्वारा मार दिया गया। लेकिन मिर्जापुर सीजन 3 को लेकर और मुन्ना भैया को लेकर बहुत सारी बातें सोशल प्लेटफॉर्म पर फैलाई जा रही है और कहा जा रहा है कि मुन्ना भैया वापस जरूर आएंगे, क्योंकि उनका हार्ट राइट साइड में है। मिर्जापुर सीजन 3 में टोटल 11 एपिसोड होंगे और हर एपिसोड का एक शीर्षक होगा। अगर हम इस सीजन 3 की रिलीज होने की बात करें तो मिर्जापुर सीजन 3 अगले साल 2022 में आपको फरवरी या मार्च में देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई बेमूवी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।